नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खुशी का दिन है। मैं जब दीप सर से मिला था पहली बार तो बहुत सारी हमारे काफ़ी घंटों हमने बात करी और इस इलाके के बच्चों के टैलेंट के बारे में हमने बताया। हम बहुत सारे इवेंट इस सेशन के हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए और उनमें हमने देखा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा जोश है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का डांस कंपटीशन यहाँ पर रहा, चिल्ड्रन डे पर हमने टैलेंट शो किया था। तो हमने सोचा कि हमारे बच्चे जब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस चीज़ को प्रमोट करें। और हम दीप प्रोडक्शन से हम जुड़े और जहाँ हमें पता चला कि इनकी टीम रेमो डिसूजा सर के साथ काम करते हैं इनका, तो हमने वो सब चीज़ें देखने के बाद डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऑडिशन हम अपने खरखोदा में हम अपने स्कूल में करवाएँ, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पूरे इलाके के लोगों को, कि हरियाणवी गाने आज के दिन बॉलीवुड में भी यूज़ हो रहे हैं। जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में जब हम सर के साथ डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, जो कि हरियाणा से प्रमोट होकर मुंबई को आज के दिन बॉलीवुड पर राज करते हैं। मैं रणदीप हुड्डा जी के सर के बता रहा था कि वो हमारे स्कूल से पास आउट है। मैं राई स्कूल में जब एक जूनियर क्लास में था तो तब हम सर का नाम सुनते थे, तो आज एक वो बॉलीवुड स्टार है। तो क्यों ना हम इस हरियाणा कल्चर को और हरियाणा के यहाँ के जो छोटे बच्चों का जो टैलेंट है, हम उसको एक बड़े स्केल पर, जितना मैक्सिमम हो, मैं कहूँगा सब बच्चों को, यहाँ के जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। क्योंकि एक मूवी बनाने में बहुत सैकड़ों लोगों की ज़रूरत होती है, एक टीवी पे अगर कोई प्रोग्राम कास्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की बैक स्टेज पे ज़रूरत होती है, किसी की फ्रंट फेस पे ज़रूरत होती है, एक पूरी फैमिली की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और बहुत ही सर के साथ मिलके मुझे इतना अच्छा लगा और हमने डिसाइड किया कि हम खरखोदा के और आने वाले जितने भी ऑडिशन, ना कि सिर्फ इस बार के ऑडिशन, जितने भी दूसरे शोज़ के भी ऑडिशन हैं, हम अपने स्कूल में ज़रूर प्रमोट करेंगे। और जितने भी बच्चे बाहर से भी, ये सिर्फ बिरला स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जो भी किसी भी स्कूल में पढ़ता है, किसी गांव में रहता है, कहीं पर भी रहता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास 300 से 400 का अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन अपना करें और अपना टैलेंट सर को दिखाएं, ताकि सर भी आगे चल के उस चीज़ को, इस इलाके के बच्चों को हेल्प कर सकें। आज बिरला इंटरनेशनल स्कूल में एक बड़े खुशी का पर्व है कि नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट, एक टैलेंट शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए दीप प्रोडक्शन की तरफ से मिस्टर दीप यहाँ पधारे हैं अपनी टीम के साथ और एक नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट जो कि अंडर रेमो डिसूजा जो कि फिनाले के जो जज होंगे, तो ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इसके ऑडिशंस चल रहे हैं। उन ऑडिशंस में जो भी विनर्स हैं उनका फिनाले जो रोहतक में होगा, वहाँ पर रेमो डिसूजा जी फिनाले जज होंगे। तो एक ऑडिशन मौका मिला है कि बिरला इंटरनेशनल स्कूल एरिया के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, कोई भी जिसका भी स्किल है, वो अपने स्किल को कल आकर के यहाँ प्रेजेंट करे और ऑडिशन में आकर के हिस्सा ले। जो भी टीम है वो टीम जज करके और जो भी बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो आगे लेकर के जाएंगे, ये मकसद है। तो बिरला इंटरनेशनल स्कूल का हमेशा से ये मकसद रहा है कि किस तरीके से जो भी टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उसे कैसे हम निखारें, कैसे उसे पकड़ें और कैसे उसे ऊपर लेके जाएं। और ये सब इतना खूबसूरत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं चेयरमैन कुलदीप दैया जी को, सीईओ श्री सिकंदर दैया जी को, कि हर प्रकार की लेटेस्ट और हाईटेक जो फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर दी हुई हैं, उसी का परिणाम ये है कि इस टाइप के प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। और ये इस खरखोदा एरिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके का ग्रैंड फिनाले स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को एक रास्ता मिलेगा बॉलीवुड की तरफ, टीवी चैनल्स में एक्टिंग करने की तरफ, डांसिंग की तरफ, म्यूज़िक की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना
हेलो गाइस, दिस साइड प्रिंस बहुत नेशनल टीवी एंकर एंड सिंगर. सो वेलकम टू ऑल नाउ फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट नॉर्थ इंडियाज़ गॉट टैलेंट. सो वेलकम टू ऑल एंड हार्डली थैंक्स फॉर गिव मी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल बिरला इंटरनेशनल स्कूल एंड थैंक्स फॉर रिगार्डिंग डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल सर एंड हार्डली थैंक यू सो मच फॉर गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजिंग इन इवेंट्स इन ऑडिशंस इन स्कूल. And I want to say something to all everyone. North India's Got Talent event, now first of all, national biggest event in Haryana organized. He's a great director, organizer, Mr. Deep Chaudhary, and also my team. And all the best to all contestant. यही कहना चाहूँगा कि आइए एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को डोंट मिस अ चांस. रजिस्टर योर सेल्फ डांसिंग सिंगिंग मॉडलिंग एक्टिंग एनी अदर टैलेंट यू कैन नाउ यू कैन शो नाउ योर टैलेंट. And I invited you all the North India's Got Talent. So good luck to all the performer. Thank you so much. Jai Haryana. चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध. हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत. लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. धन्यवाद.